तो हाय गाइस, मुझे पता है तुम लोग मुझसे एक रोस्ट की उम्मीद कर रहे हो। हमेशा की तरह कमेंट्स में, डीएम्स में, हर जगह तुम सब वीडियो मांग रहे थे इस कंट्रोवर्सी पे। पर मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि यार मैं बहुत ही स्ट्रेस में हूँ, क्योंकि भाई मैं इस कंट्रोवर्सी को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा। भाई ये कंट्रोवर्सी बहुत ही यूनिक है यार। इसमें नियो को सपोर्ट मिल रहा है, सिड को हेट मिल रहा है, और भाई इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है और इसमें स्काउट इन्वॉल्व नहीं है। स्काउट का एक भी कमेंट नहीं आया भाई इस पे। क्या चल रहा है ये पैरेलल यूनिवर्स में कैसे फंस गया मैं? तो टीम अप के एलिगेशन लग रहे हैं, वो भी BGMI कम्युनिटी में। अरे बहुत ही आयरोनिकल है यार, क्योंकि ऐसी कम्युनिटी जहां भाईचारे के नाम पे बस बेचारे कुछ क्रिएटर्स ही बचे हैं, जहां लोग इतने डेस्परेट है कंट्रोवर्सीज के लिए कि यहां तुम्हें फेक स्क्रीनशॉट्स वायरल करवाने में भी कुछ मिनट ही लगेंगे। मतलब इनको अगर तुम बोलोगे कि चलो एक साथ स्ट्रीम करके खेलते हैं, उसमें तो इन सबकी अंडे फट जाएंगी और इन सबका ईगो आगे आ जाएगा। और ऐसी कम्युनिटी में टीम्स एक साथ मिलकर टीम अप कर रही है। आई मीन ऐसे एलिगेशन है बाय आर वन एंड ओनली सैविज सेड। और जैसा कि मैं आजकल इसको कह रहा हूँ, डिसएडवांटेज सेड, क्योंकि सैवेज पने के चक्कर में ये जो बैकलैश दिलवा रहा है ना सोल को, उसके अकॉर्डिंग तो डिसएडवांटेज ज्यादा सुटेबल है इस पे। तो यार सेड सोल का क्या है, कोच नहीं है, मैनेजर? वो तो इसको शायद खुद चाहिए होगा, क्योंकि प्लेयर ज्यादा बिजी तो इसका शेड्यूल रहता होगा। तो फिलहाल हम इसको 30 साल का बच्चा कह सकते हैं, जो अभी भी बाकी बच्चों को अपना पैसा दिखाने में बिजी रहता है। आई मीन उन्हीं से लेके उन्हीं को दिखाने में। वो सिड जो बहुत ही मैच्योर है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है, सोल प्लेयर्स के मेंटल पीस का ख्याल रखता है, उसने दी टीम अप की एक स्टेटमेंट, जहां से सारी कॉन्ट्रोवर्सीज की शुरुआत हुई। और वो स्टेटमेंट दी लोको पे, क्योंकि फिर लोको का टॉप स्ट्रीमर भी तो बनना है। और फिर जब इस पूरे चुतियापे के बाद टीम्स में हेट पड़ने लगा, तब आती है ये स्टोरी। यूज द कॉन्टेक्ट अस ऑप्शन इन माई प्रोफाइल फॉर बिजनेस इंक्वायरीज। मतलब क्या है यार, तेरे को एक ही कमबैक आता है क्या? जब भी हेट पड़ रहा हो लेट्स टॉक बिजनेस, कोई सेंसिबल रिप्लाई तो दे दिया कर। और नहीं क्या बिजनेस करेगा तू? पैंपर्स का स्पॉन्सर करना है क्या तेरे को, या बेबी सोप का? क्योंकि जितनी एज की तेरी ऑडियंस है ना, उनके लिए तो यही सुटेबल है। खैर ये सेड रोस्ट नहीं है लॉन्डो, तो उस पे फिर कभी और आएंगे। तो फिलहाल चलो वो क्लिप भी देख ही लेते हैं जहाँ सेड ने ये सब बोला था। एंड इफ यू कैन गिव मी लेजिटिमेट एग्जांपल्स ऑफ दीस थ्री टीम्स टीमिंग अप इन द पास्ट टू डिफीट समबडी, प्लीज डू। एक ही मैच हमेशा बात करते हैं लोग, वो कोई सैनॉक की मैच है। वो सैनॉक के मैच के बारे में नेक्स्ट टाइम जब ओमेगा लाइव आएगा तो वो अपना एक एक्सप्लेनेशन दे देगा, वो अपना एक क्लैरिफिकेशन दे देगा वो मैच के बारे में। यू कैन रन दैट गेम थ्रू विद एनालिस्ट कोचेज जहाँ पे भी है, एंड दे विल Tell you about it. मतलब सोल की जो हमेशा चाटते हैं फॉर व्यूज, उन एनालिस्ट से या फिर किसी लेजिट एनालिस्ट से? बट फर्स्ट गेम के बाद सेकंड गेम के पहले प्रॉपर वॉशरूम में सारे प्लेयर्स के सामने प्लानिंग हुई कि हम लोग यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, तुम लोग वहां जाना, तुम ऐसे फील्डिंग लगाना। एंड यू कैन आस्क देर आर मेनी प्लेयर्स इन दैट वॉशरूम, somebody has a recording of that conversation also. I don't know who exactly, but somebody does. There was a proper conversation. किसी के पास रिकॉर्डिंग है पर किस पे है ये नहीं पता सेठ भाई को, पर ये पता कि रिकॉर्डिंग है। And let me give you example. और तुम्हें ये ऑलरेडी पता होगा अगर तुम मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हो। तो गाइस बाथरूम है ना, कुछ प्लेयर्स के हाथ में मिर्ची और नींबू थे, वो प्लेयर्स काला जादू कर रहे थे। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये हुआ है, somebody has a recording, but I don't know who it is. तो अगर तुम्हें रिकॉर्डिंग वाली बात पे भरोसा है ना, तो फिर तो तुम्हें इस बात पे भी होना चाहिए। और फिर कुछ डाई हार्ट फैन बॉयज को ये बात हजम ही नहीं हो पाई कि सेड भाई भी हक सकते हैं, और फिर आया एवरी पॉसिबल डिफेंस जो वो बच्चे दे सकते थे कि जिसके पास रिकॉर्डिंग है वो लीक करके फंसना नहीं चाहता और इवेंट के बाद दिखाएंगे। और फिर फेक नियत वाला सुत्यापा, भाई काय की नियत, इतनी ही नियत थी तो ये बात तो आनी ही नहीं चाहिए थी। और अगर ले आए तो भाई पूरे प्रूफ लाते हैं ना, बहुत तरीके थे उस बंदे की प्राइवेसी मेंटेन करते हुए वो रिकॉर्डिंग लाने के। और जस्ट इमेजिन तुम्हारी मम्मी की छेन चुरा के कोई भाग गया और तुम्हारे पास प्रूफ है पर तुम पुलिस के पास नहीं जा रहे और मम्मी को कह रहे हो मम्मी नियत, भाई उसी टाइम मम्मी ने 3 चांट रख देना गाल पे। क्योंकि अगर तुम पे प्रूफ है टीम अप के जो कि रूल्स के हिसाब से गलत है पर इसके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए, और फिर भी तुम प्रूफ दिखाने के बजाय बज रहे हो, तो भाई फिर तो तुम उसे ना बता के ना एक्सपोज करके और बड़ी गलती कर रहे हो। और अगर तुम्हें इतना ट्रोल किया जा रहा है एक लेजिट चीज पे जो कि तुम्हें लगता है कि ठीक है, तो भाई तुम अपनी के भी ना वो प्रूफ लाके दोगे, क्योंकि अपनी रिस्पेक्ट किसको नहीं बचानी। तो इन सब से एक ही चीज कंक्लूड होती है और वो तुम सबके सामने है। पर भाई पहले तो मुझे ये बताओ कि बाथरूम में रिकॉर्डिंग हो क्यों रही थी? अब या तो उनकी बातें रिकॉर्डिंग करने के लिए रिकॉर्डिंग हुई है या किसी और चीज की रिकॉर्डिंग हो रही थी उसमें उनकी बातें रिकॉर्ड हो गई। खैर अब ये तो एक मिस्ट्री रह जाएगी।
और मुझे बस ये समझा दो, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दिस एलिगेशन? तू करना क्या चाहता था? क्योंकि टेल मी ऑनेस्टली, इससे क्या होगा? फिर तुझे क्या लगता है, अगर टीम अप हुआ तो तेरी 10-12 साल की ऑडियंस जो अभी भी ट्राइमेक्स खरीद के खुश हो रही होगी, वो सोल को इंसाफ दिलाएगी? भाई ऑफिशियल्स को कंप्लेन करना, अगर इतना ब्लेटेंटली उन्होंने टीम अप किया है, सब प्रूफ है, तो ऑफिशियल्स को भी तो दिखेगा, उन पे एक्शंस होंगे। टीम पे बजने का रीजन क्या है? फिर बोलते हैं नियत। और अपेरेंटली सीड और सोल को जब हेट मिलने लगा, तब सीड की अपोलॉजी भी आ गई, जहां वो कहता है कि PMWI से पहले कुछ नहीं, और वेल अब इसके बाद मुझे कुछ बोलने की जरूरत लगती नहीं है, क्योंकि तुम इतने समझदार तो हो ही, और तुम्हें जी का हैकिंग वाला मैटर भी याद ही होगा। खैर इसके बाद क्रॉन्टन ने भी स्ट्रीम पे कुछ बोला, और उसकी बात हम वीडियो के एंड में करेंगे। लाल किला, जस्ट इमेजिन, ये सब लैन पे ऐसे चलता रहता, और लोगों को जो भी अज्यूम करना था, जो भी कमेंट्स में हेट फैलाते, वो सब चलता रहता। कोई भी सो कॉल्ड डिफेंडर नहीं होता किसी भी टीम का, तो सही बता रहा हूँ, ट्रस्ट मी, सब बढ़िया चलता, किसी भी डिसएडवांटेज सीट की जरूरत नहीं थी। बेफालतू में हर चीज में ओपिनियन खोजने की, बेफालतू में ब्लेम्स करने की विदाउट प्रूफ, सोल के फैंस को चूतिया बनाने की, क्योंकि भाई ऐसी राइवलरी देखने में मजा आता है, जब तक कोई स्ट्रीम पे कोई बेफालतू का ओपिनियन ना छोड़ दे, इवन की ऑडियंस भी एंजॉय करती है यार इसे। एंड लेट मी टेल यू सम रियलिटी अबाउट दिस कॉन्ट्रोवर्सी, इनमें वो नहीं जीतता जो ठीक होता है, वो जीतता है जो ऑडियंस को चूतिया बना पाता है। और यहाँ मैंने चूतिया बना पाता इसलिए बोला क्योंकि भाई कोई भी कॉन्ट्रोवर्सी उठा के देख लो, गलती दोनों साइड की मिलेगी। अब जो अच्छा मैनिपुलेट कर गया वो जीत गया। और इसमें चूतिया बनाने में बहुत आसान है, क्योंकि ऑडियंस को क्रिएटर्स पे कुछ ज्यादा ही भरोसा है, एक साइड ने कुछ बोला और बस उन्होंने मान लिया, उसको डबल चेक कोई घंटा नहीं करता, और जैसे ही दूसरे का रिप्लाई आया फिर वो साइड ठीक बन जाएगी, और बस ये तब तक चलता रहेगा जब तक एक साइड रुक ना जाए। एंड अगेन जीतेगा वही जो चूतिया बना के सिंपति ले गया। और लेट मी टेल यू वन मोर हार्श रियलिटी, जो शायद कुछ फैन बॉयज को हजम ना हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि न्यू को सपोर्ट क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो ठीक है इस बार, या उसने गालियां नहीं बकी? हाँ कुछ लोगों के लिए वो केस भी हो सकता है, पर हाथ से पहले भी न्यू बहुत बार ठीक होगा। बट जो सबसे मेन चीज है ना, वो थी कि उसने सोल को कुछ नहीं बोला, इवन कि सोल और गॉडल का मैटर थोड़ा और सॉर्ट आउट कर दिया। और तुम बताओ न्यू को हेट देता कौन था? एग्जैक्टली तो अब ज्यादा डीप जाने का मतलब नहीं है, समझने वाले समझ गए। और हाँ, इसमें मोस्ट प्रोबेबली तुम लोग गॉडल का कमेंट करने वाले हो, जैसे कि तुमने लास्ट वीडियो में सोल का किया था। और भाई अगर तुम्हें अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है कि इस चैनल पे सामूहिक रोस्ट किया जाता है, जो कि अब तो काफी क्रिएटर्स भी समझ गए हैं, तो भाई तुम्हें अपने बस डिसएडवांटेज सिड भैया को देखना चाहिए, तुम गलत चैनल पे आ गए हो, अगली बार ध्यान रखना। तो वेल, सिड की चुतियापे को साइड रखते हुए गेम में जो हुआ उस सबको दिखाया, और क्रॉन्टन ने भी स्टेटमेंट दी थी, और नियो ने भी कुछ तगड़े प्रूफ दिए हैं, तो उनके बेसिस पे कंक्लूजन क्या है यार, वो तुम्हें बाद में बताएंगे। फिलहाल फैन बॉयज को इस वीडियो की थोड़ी एंगेजमेंट बढ़ाने दो यार, और तुम लोग भी बढ़ाओ जाके, क्योंकि पता है यार एक और वीडियो तो बनानी ही पड़ेगी, जब तक ये अपलोड करूंगा एक और बवाल शुरू हो जाएगा। तो चलो लौंडो, मिलते हैं बहुत ही जल्दी अगली वीडियो में।